Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the biomolecule. So in this particular video, we detail discuss about biomolecule. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and a WhatsApp channel on my channel. So please go through the WhatsApp channel on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Topic. So today's topic is protein. So in this particular video, we basically talk about protein in details and interesting manner. So first period, first written in NCERT textbook. After that, elaborate each and everything but easy and simple words. So let's begin without wasting any time. तो प्रोटीन क्या होता है हम सभी जानते हैं ठीक है। प्रोटीन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, ये प्रोटीन का काम क्या होता है, मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है। किसमें? मसल्स बिल्डिंग, मसल्स को बनाने में हेल्प करता है, यानी मसल्स को मजबूत बनाने में हेल्प करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटीन आर क्या है। पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन जो होता है क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी इसमें जो पॉली पेप्टाइड, ये देखो पेप्टाइड क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे पाए जाएंगे, प्रोटीन में पाए जाएंगे, है ना। अब ये पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड आएंगे तो उनसे बन के बनेगा, इसलिए बोला प्रोटीन आर पॉली पेप्टाइड। पॉली वर्ड जहाँ पे यूज हो जाए उसका मतलब होता है बहुत सारे, है ना। मोनो का मतलब एक होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, समझ गए होंगे आप। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन कैसे बनते हैं जब अमीनो एसिड की चेन मिलती है, जुड़ जाती है। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। जब अमीनो एसिड की चेन मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना, अमीनो एसिड की चेन, मान लो एक ये अमीनो एसिड हो गया, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, ऐसे मिल जाएंगे और एक चेन के रूप में फॉर्म कर लेंगे। और जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। प्रोटीन में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, और भी बॉन्ड पाए जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, कौन सा स्ट्रक्चर है तो उसके बेसिस पे। बाकी स्ट्रक्चर कोई भी हो प्रोटीन का, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, टर्शियरी स्ट्रक्चर हो, बट प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड तो पाया जाएगा, तो ये तो नेसेसरी यार, ये तो सब में पाया जाएगा, है ना, सारे स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना, जो प्रत्येक प्रोटीन होता है वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड का होता है, यानी वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। यानी क्या हुआ, अमीनो एसिड मिलेंगे, एक अमीनो एसिड मिला और भी उससे रिपीटिंग यूनिट अमीनो एसिड की मिलेंगे तो वो पॉलीमर बना लेंगी। पॉलीमर वही होता है जो मोनोमर से मिलके बने, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर से मिलके बने, मोनोमर से मिलके बने, मोनोमर से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड का, यानी अमीनो एसिड से ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये बात याद रखेंगे हम लोग, सभी जानते हैं बट फिर भी याद रखेंगे। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इसके बेसिस पे क्या 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। इसमें कि हमको कुछ के एग्जाम्पल दिए गए, कौन कौन से, एनालिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया और लाइसिन हो गया, है ना, क्या हो गया, लाइसिन हो गया। सिस्टीन जो होता है ये क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, कैसा होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, सिस्टीन और मेथियोनिन, है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। इसमें क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा सिस्टीन और मेथियोनिन में, ये याद रखेंगे, आगे भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो होता है ट्रिप्टोफैन होता है, है ना, ट्रिप्टोफैन होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इसके बेसिस पे क्या 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, है ना, 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, सारे के सारे 20 टाइप के अमीनो एसिड के आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, सो इसमें क्या है, ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, जो प्रोटीन होता है वो कैसा पॉलीमर होता है, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर, जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर से मिलके बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से मिलके बनेगा, इसलिए उसको बोले हेट्रोपॉलीमर। और होमो का मतलब होता है सेम चीज से मिलके बने, होमो का मतलब होता है सेम, सेम चीज से, है ना, उसी की जैसी चीजें हों उसी से मिलके बने, तो इसलिए उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। बट जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या है हमको यहाँ बताता है, प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर नॉट
नॉट ए होमोपॉलीमर, वो होमोपॉलीमर नहीं है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। याद रखेंगे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, तो हम बोलेंगे प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर। आगे क्या है, ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग ये नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। होमोपॉलीमर यहीं पे आपको बता दिया गया कि होमोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें एक टाइप के मोनोमर हों और वही अपने बहुत बार संख्या में बहुत नंबर पे, यानी यन नंबर, यन नंबर का मतलब है आपके इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइट नंबर, उसका कोई नंबर नहीं है कि मतलब वो कितनी बार वो रिपीट करें, है ना, एक टाइप की मोनोमर रिपीटिंग यूनिट, तो उसको क्या बोलेंगे होमोपॉलीमर, उससे मिलकर बनेगा, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन अबव द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन, है ना। तो यानी क्या है, इसमें हमको ये बताया कि ये इन्फॉर्मेशन हम अमीनो एसिड के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पे देखेंगे, है ना, कि न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि क्या होते हैं अमीनो एसिड का, इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। यू विल लर्न डेट सर्टेन अमीनो एसिड आर इसेंशियल, आपने पढ़ा होगा कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब वो होता है ऐसे अमीनो एसिड जो हम अपनी डाइट से लें, यानी हमारी बॉडी इसेंशियल अमीनो एसिड को नहीं बना पाती है, है ना। इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए हमको प्रोटीनरी डाइट का यूज करना पड़ता है, यानी जो हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन को खाते हैं, उससे हमको इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। बट जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो बॉडी हमारी खुद बना लेती है, है ना। यानी फालतू की चीज़ बॉडी बनाती है, यानी अच्छी चीज़ हमको लेना पड़ता है बाहर से, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है यू विल लर्न डैट सर्टेन अमीनो एसिड आर इसेंशियल, आपने पढ़ा होगा कुछ अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं क्या होते हैं, फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए जो होते हैं कुछ अमीनो एसिड होते हैं वो जरूरी होते हैं। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी होते हैं। दे हैव टू बी सप्लाई थ्रू आवर डाइट, है ना। ये हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं, हमको सप्लाई होते हैं हमारी डाइट से, यानी जो कि हम खाना खाते हैं उससे हमको ये इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। डाइट से हमको इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, हेंस डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ पे हमको बताया कि जो डाइट की प्रोटीन होती है, यानी जो डाइट में हम प्रोटीन लेते हैं, अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं, वो होती है सोर्स होती है किसकी, एसेंशियल अमीनो एसिड की, है ना। उससे हमको एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, यानी डाइट से हमको एसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसके बेसिस पे क्या है, अमीनो एसिड जो होते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर अमीनो एसिड क्या है, सॉरी, द लेटर आर दोज विच मेक अवर बॉडी कैन, है ना, जो हमारी बॉडी बना लेती है उसको क्या बोलते हैं, द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू डाइट और फूड, है ना। एसेंशियल मैंने आपको वही बताया, वहीं पे ये फिर से बता दिया कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो अपनी डाइट से लेते हैं, है ना, वो डाइट से लेते हैं, उसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है, ये समझ जाओ आप। आगे क्या है, प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटीन का काम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है, यानी मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करती है, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है हमको, और क्या करती है, और सम हार्मोन्स बनाती है, और क्या करती है, सम एंजाइम बनाती है। इसमें हमको यही बताया गया है, क्या है, प्रोटीन कैरी आउट मेनी ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटीन होती है बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसमें से कुछ है कि जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में भेजेगी, सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना। सम फाइट इन्फेक्शन, और कुछ होते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी इन्फेक्शन से हमको बचाएंगे, इन्फेक्शन से, इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म से हमको बचाएंगे। और सम जो होते हैं, सम आर हारमोन्स, इसमें से कौन आ गया, प्रोटीनिशियस हारमोन्स आ गया हमारा, कौन होता है वो, इंसुलिन इज द हारमोन्स, बट कैसा हारमोन्स है ये, प्रोटीनिशियस हारमोन्स है, तभी हम किसी भी पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, उसकी इंसुलिन की टैबलेट नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टमच में हो जाता है, अगर हम उसको प्रोटीन की, सॉरी, अगर हम उसको इंसुलिन की टैबलेट दे देंगे तो वो खा लेगा, खाएगा, पेट में जाएगा, स्टमच में जाएगा, और वहाँ पर वो डाइजेस्ट हो जाएगा,
तो मतलब जिस टिश्यू को इंसुलिन की जरूरत होगी वहां तक वो इंसुलिन नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जो इंसुलिन के पेशेंट को इंजेक्टेबल फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि ये होती है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होती है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमच में हो जाता है। समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। और कुछ एंजाइम बनाते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीनेशियस एंजाइम भी होते हैं। क्या दिखाएगा आपको, 9.5 में टेबल दी गई, टेबल हम बाद में देखेंगे, पहले टेस्ट में देखते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, क्या बताया है, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, है ना। कोलेजन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, अगर हमसे पूछेगा कि एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, है ना। अगर हमसे और पूछा गया, क्या पूछा गया, अगर व्होल बायोस्फीयर में पूछा कि व्होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो उसका एग्जांपल दूसरा हो जाएगा। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसका एग्जांपल ये हो जाएगा, रेबुलेज रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यार, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कि जो व्होल बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं, रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिली ऑक्सीजिनेज, यानी इसको बोलते हैं रूबिस्को, सिंपल वर्ड में बोलते हैं रूबिस्को, याद रखेंगे। इसमें कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कार्बोक्सिलेज क्यों पहले आया, क्योंकि ये जो होता है, ये जो प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा एफिनिटी शो करता है देन ऑक्सीजन। पहले ये प्रेफर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ अटैच होने का, उसके बाद अगर जब CO2 नहीं मिलेगी तो सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि ऑक्सीजन से ये बाइंड कर जाता है। इसलिए इसमें कार्बोक्सिलेज पहले आया और ऑक्सीजनेज बाद में आया, इसका मतलब यही है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर व्होल बायोस्फीयर में प्रोटीन पूछा, मोस्ट ऑफ ने प्रोटीन पूछा, तो हम रूबिस्को का एग्जांपल देंगे, इसका देंगे रूबिस्को का एग्जांपल देंगे। और अगर एनिमल वर्ड में पूछा, इसमें पूछा एनिमल में पूछा, एनिमल में पूछा, एनिमल में पूछा, तो हम किसका देंगे, कोलेजन का देंगे, कोलेजन का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या है, जो टेबल में दिखाए गए थे प्रोटीन दिखाए गए, उसके फंक्शन के बारे में दिखाया गया, वो मैं डिस्कस करता हूँ। क्या है, जो इसमें क्या है, प्रोटीन प्रोटीन जो होती है कोलेजन, है ना। कोलेजन जो होती है कहाँ पे होती है, एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल में पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो कोलेजन होती है। एनिमल में मोस्ट अबंडेंट क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, जब हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ा था, वहाँ जो कोलेजन के बारे में पढ़ा था हमने, वहाँ पे देखा था ग्राउंड मैट्रिक्स की तरीके वो काम कर रही थी, क्या, कोलेजन प्रोटीन ग्राउंड मैट्रिक्स बना रही थी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हुआ, इंटर सेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स बनाती है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस बनाती है, क्या, कोलेजन, जो कि प्रोटीन है, जो कि एनिमल में पाई जाएगी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है। उसके बाद क्या दिखाया गया हमको, ट्रिप्सिन दिखाया गया है। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड, ये सारे के सारे एंजाइम है, बट यहाँ पे हमको ट्रिप्सिन के बारे में बताया गया है। बाकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में मैं सारे के सारे आपको एंजाइम बताऊंगा, उनके फंक्शन बताऊंगा, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल्स में बताएंगे। अगर यहाँ पे बताएंगे वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन क्या हुआ, ये एंजाइम होता है। और इंसुलिन, है ना, इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, यहाँ पे हमको इंसुलिन, ये क्या है, प्रोटीन है, बट प्रोटीन है ये कैसा, ये फंक्शन इसका क्या करता है, ये हार्मोन के तरीके काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन इंसुलिन इज प्रोटीनिशियस हार्मोन्स, कैसा हार्मोन्स है, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स है, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स है, यानी वो हार्मोन जो प्रोटीन से मिलके बनेगा उसको प्रोटीनिशियस हार्मोन्स बोलेंगे। बट जब पेशेंट को देते हैं तो इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमच में हो जाता है, तो वो वहाँ तक टारगेट टिश्यू तक पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंसुलिन जो है हार्मोन्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी में क्या करती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं, फाइट इन्फेक्टियस एजेंट्स, यानी वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेंगी, इसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्फेक्टियस एजेंट के अगेंस्ट, है ना, एजेंट के अगेंस्ट, यानी हमारी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्टियस एजेंट आएंगे उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी काम करेंगे, यानी उनको मारने में हेल्प करेंगे, यानी हमारी बॉडी को बचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन्फेक्टियस एजेंट को मारेंगे, हमारी बॉडी को बचाएंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे क्या है, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब यहाँ से चीज़ें आके बाइंड करेंगी,
है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होंगे, यहाँ से चीज़ें आके बाइंड करेंगे और आगे का फंक्शन करेंगे, ठीक है। उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स है ना, सेंसरी रिसेप्शन के लिए क्या क्या होते हैं, स्मेल के रिसेप्टर पाए जाएंगे, नोज में पाए जाएंगे, है ना, ऑल फैक्ट्री, इनको स्मेल वालों को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं इनको, स्मेल वालों को, ठीक है, स्मेल वालों को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं। टेस्ट रिसेप्टर पाए जाएंगे, है ना, और हार्मोन्स पाए जाएंगे, और क्या पाए जाएंगे, सेंसरी रिसेप्शन में स्मेल, टेस्ट और हार्मोन्स के रिसेप्टर पाए जाएंगे, क्या हुए, रिसेप्टर हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई हमसे पूछे तो हम बोलेंगे यही है भाई, 2019 में आया था नीट में, ठीक है, 2019 नीट में आया था, क्या आया था कि ग्लट फोर जो होता है, ग्लट फोर होता है वो क्या करता है, तो इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, जो ग्लट फोर होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्लट यानी ग्लू, है ना, तो यानी ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ पे करेगा, सेल में। ग्लट फोर क्या है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा सेल में, ये बात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टेबल से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल में ज़्यादा तुमसे फिगर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इसमें टेबल पोर्शन से या कोई ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होगा वहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है, डायग्राम से फिगर क्वेश्चन नहीं आता है। अब हमसे ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रोटीन है उसको किसने डिस्कवर किया था, प्रोटीन टर्म किसने दिया था, तो प्रोटीन टर्म किसने दिया था, हमको पता है वर्जीलियस, किसने, वर्जीलियस साहब ने क्या दिया, प्रोटीन टर्म दिया, कब दिया, प्रोटीन का टर्म 1830 ईस्वी में दिया, 1830 में वर्जीलियस साहब ने प्रोटीन टर्म दिया, है ना, प्रोटीन टर्म किसने दिया, वर्जीलियस साहब ने दिया 1830 में, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होता है हेटरोपॉलीमर होता है ना, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। अब हमसे पूछते हैं ना एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, 20 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने आपको बताया थे कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल भी देने आपको जरूरी है, तो उसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, क्या ट्रिक है, बी आई पी हाल में टीटी, तो वी से मतलब क्या हुआ, वी से मतलब हुआ वैलिन, वी से मतलब क्या हुआ वैलिन, और आई से मतलब हुआ आइसोल्यूसिन, आई से क्या हुआ आइसोल्यूसिन, और पी से क्या हुआ फेनेनिलीन, क्या हुआ फेनेनिलीन, पी से हुआ फेनेनिलीन, एच से हुआ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, हिस्टिडीन और मेथियोनिन, है ना, तो एच से क्या हुआ हिस्टिडीन, और ए से हुआ एनालिन, है ना एलालिन, और यल से क्या हुआ लाइसिन, यल से क्या हुआ लाइसिन हुआ, और क्या हुआ फिर एक यल से हुआ ल्यूसिन, एक यल से क्या हुआ ल्यूसिन हुआ, फिर क्या हुआ यम से क्या हुआ मेथियोनिन हुआ, यम से क्या हुआ मेथियोनिन हुआ, टी से क्या हुआ ट्रिप्टोफॉन हुआ, टी से क्या हुआ ट्रिप्टोफॉन हुआ, और क्या हुआ एक टी से क्या हुआ थ्रियोनिन हुआ, एक टी से क्या हुआ थ्रियोनिन हुआ, तो ये कितने टाइप के अमीनो एसिड हो गए, 10 टाइप के अमीनो एसिड हो गए, 20 टाइप अमीनो एसिड में 10 एसेंशियल थे 10 नॉन एसेंशियल थे, तो ये हमने एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक बताई है आपको, कौन कौन सी ट्रिक है, वी आई पी हाल में टी टी, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फेनेनिलीन, एच से हिस्टिडीन, ए से एलानिन, एल से लाइसिन, और एक एल से क्या हुआ ल्यूसिन हुआ, उसके बाद एम से क्या हुआ मेथियोनिन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ ट्रिप्टोफॉन हुआ, उसके बाद क्या हुआ थ्रियोनिन हुआ, है ना, एक टी से क्या हुआ थ्रियोनिन हुआ, ये 10 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड थे, है ना, मेथियोनिन और हिस्टिडीन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया। अब हमसे कभी कभी ये पूछता है कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, क्या पूछता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पूछेगा, तो हम कौन से एग्जाम्पल देंगे, तो हम दो एग्जाम्पल देंगे, कौन सा एलानिन और कौन सा एग्जाम्पल देंगे हिस्टिडीन, है ना हिस्टिडीन, एनालिन और हिस्टिडीन का एग्जाम्पल देंगे हम, किसका सेमी एसेंशियल का, किसका, ये यस का मतलब है सेमी, है ना, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है, एलानिन और हिस्टिडीन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। और हमसे ये पूछता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या हुए, क्या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोलेंगे तो हम क्या बताएंगे, मेथियोनिन और क्या बताएंगे हिस्टिडीन, मेथियोनिन और क्या बताएंगे सिस्टीन, है ना, क्या बताएंगे सिस्टीन बताएंगे हम,
मेथियोनिन और सिस्टीन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम पॉलीसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।